टोहाना में नगर परिषद चुनाव को लेकर मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के भाई विनोद सिंह बबली के द्वारा टोहाना के वार्ड नंबर 13 में डोर टू डोर जाकर गठबंधन के उम्मीदवार रमेश गोयल के समर्थन में वोट की अपील की गई। इस मौके पर उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद बबली ने कहा कि रमेश गोयल की साफ छवि, मिलनसार व्यवहार व पंचायती रवैया के चलते आज पूरा टोहाना उनके साथ जुड़ता चला जा रहा है, जिसके परिणाम यह होंगे कि रमेश गोयल भारी मतों से विजय होंगे। विनोद सिंह बबली ने कहा कि मंत्री देवेंद्र बबली का लक्ष्य है कि टोहाना का विकास प्रत्येक क्षेत्र में किया जाए, जिसके लिए वो लगातार संघर्षशील है। ऐसे में टोहाना नगर परिषद में उनकी टीम के सदस्य चुने जाते हैं तो उससे विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के छोटे भाई विनोद बबली जी हमारे साथ है, जो इस वक्त डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आपने चुनावी यात्रा शुरुआत की है, डोर टू डोर जाके लोगों से अपील कर रहे हैं वोट की, कैसा जनसमर्थन आपको यहाँ मिल रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत पूरा समर्थन है, लोग बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे से हमें प्यार करते हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है बिल्कुल। आज आप खुद ब खुद आप जा रहे हैं डोर टू डोर, बहुत टाइम बाद 2019 में जो जनसैलाब आपके साथ देखा गया था, आज फिर से वो देखा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से सभी ने देखा कि आप निकले तो कुछ ही कार्यकर्ता थे, लेकिन साथ साथ और लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम ग्राउंड पे तो रहते ही हैं, पहले थोड़ी कोरोना की मार थी उसकी वजह से भाई सब बंद ही था, उसके बाद थोड़ा किसान आंदोलन था उसकी वजह से, बाकी सभी साथी सभी मोहल्लावासी सभी प्यार करते हैं और सभी हमारे साथ हैं, कंधे कंधा मिला हमारे साथ कर रहे हैं। बात करें, आप लोगों के मसले भी सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं, कोई अगर समस्या साथ के साथ उसको निपटा भी रहे हैं, अगर पूरे मोहल्ले में बाढ़ में कहीं, अब कल मसाला फैक्ट्री में गए थे वहाँ लाइटों की दिक्कत थी, हमें आज ये आदेश कर दिया कल लाइटें चालू हो जाएंगी। लाइटें चालू हो जाएगी। इसके अलावा किस तरह के मसले सामने आ रहे हैं, जैसे कि बात करें लाइट्स की, आपने बात की, और जल भराव का मुद्दा है, नशे को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या क्या कुछ ब्लू प्रिंट है कि जो आने वाले टाइम पर जब रमेश गोयल जी चेयरमैन बन जाएंगे तब ये मुसीबतें हल करी जाएगी? हाँ, इसका पूरा टोहाना शहर का मेरे बड़े भाई देवेंद्र बबली जी ने इसका ब्लू प्रिंट बनाया हुआ है, और जहाँ तक जल भराव की बात है 37 करोड़ रुपये मंत्री जी लेके आए और काम उस पर शुरू हुआ है, लगे हुए अभी, बाकी और अगली नेक्स्ट किस्त फिर आएगी, जल भराव की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। और बात कह रहे हो आप नशे की, नशे में आप देख रहे हो हर गली गली में यहाँ पुलिस खड़ी है, पीछे चप्पे चप्पे पे नशे का बिल्कुल किसी कोई जांच नहीं की जाएगी। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनोद बबली जी, जो इस वक्त डोर टू डोर प्रचार के लिए निकले और एक भारी हुजूम और जनसैलाब इनके साथ देखा जा रहा है। अब ये तो देखने वाला वक्त होगा कि ये हुजूम और जनसैलाब कितना रंग लाए। कैमरामैन रमन बिश्नोई के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।